इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हमारी बैंक निफ्टी में मंडे के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए और क्या हमारे यहाँ पे प्लान्स बन सकते हैं, और फ्राइडे वाले दिन हमारी मार्केट ने यहाँ पे जो भी मोमेंटम दिया था उसके पीछे का लॉजिक क्या कहता है। पिछले पूरे वीक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये टाइम फ्रेम है गाइस मेरा, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमारी मार्केट में जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है ये टाइप ऑफ यहाँ पे शूटिंग स्टार हमारी कैंडल क्लोज हुई है। अब यहाँ से लोगों के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आए क्या हमारा मार्केट यहाँ से बेयरिश हो चुका है, क्या मार्केट में सेलर आ चुके हैं, हमने क्या प्लान करना है क्या प्लान नहीं करना है गाइस। सबसे पहली बात आप लोग यहाँ पे समझो मार्केट में कि हमारा जो बैंक निफ्टी है वो वीकली टाइम फ्रेम का हमारा जो मार्केट है वो यहाँ से एक इस प्रकार की ट्रेंड लाइन को वो कंटिन्यू कंटिन्यू फॉलो करने में लगा हुआ था, और रिसेंट में जो हमारी मार्केट में मोमेंटम आता है तो हमारा मार्केट यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके हमारा मार्केट यहाँ से इस मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। उसके बाद इस वाले रेजिस्टेंस लेवल से हमारी मार्केट ने कंटिन्यू काफी टाइम तक रिजेक्शन खाए थे और ये हमारी मार्केट में ऑल टाइम हाई था। अब हमारी मार्केट में नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे आके लगा हुआ है। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे हमको मिलती है एक रेंज। अब हमारी मार्केट में यहाँ से ध्यान दोगे तो हमारी मार्केट में यहाँ पे एक रेंज है। इस रेंज को पकड़ के हमारा मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, हमारा मार्केट यहाँ पे छोटे मोटे मोमेंटम दे सकता है हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि अभी तक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात गाइस यहाँ पे ये है, सबसे बड़ी बात नोटिस करने वाली यहाँ पे ये है कि हमारी मार्केट में यहाँ से अब तक हमारी मार्केट में खाए थे रिजेक्शन। अब रिजेक्शन का ब्रेकआउट होने के बाद अभी तक हमारी मार्केट ने इसको पहली बार भी यहाँ पे आकर टेस्ट नहीं किया है, और जैसे हमारा मार्केट इसको पहली बार आकर टेस्ट करेगा जो लोग यहाँ से इस वाले ब्रेकआउट में बाइंग नहीं कर पाए थे वो लोग यहाँ से बाइंग करने में इंटरेस्टेड होंगे और हमारा मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल की बात क्या है, हमारी मार्केट में यहाँ पे हमको एक डोजी कैंडल देखने के लिए मिली हुई है, शूटिंग स्टार मिला है। मार्केट अगर इसी के लो को ब्रेक करके नीचे की साइड निकलने का ट्राई करता है तो हम लोग यहाँ से नेगेटिव में प्लान करेंगे, 52,800 का लेवल हमारा यहाँ पे टारगेट बनेगा, ठीक है। वीक का टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ, अब चलते हैं डे के टाइम फ्रेम पे कि हमारी मार्केट में डे के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और हमने कहाँ से कौन से मोमेंटम को प्लान करना था और हमने कहाँ से कौन से मोमेंटम को प्लान नहीं करना था। अभी मैं आपको लेके आया हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमारे थोड़े से लेवल यहाँ पे चेंज होते हैं, जैसे कि एक लेवल हमारा बन के यहाँ पे आता है ये वाला पॉइंट, और एक लेवल बन के आता है हमारे पास गाइस यहाँ से ये वाला पॉइंट। अब लास्ट में आपसे कुछ दिनों की बात करूं, यानी कि ये हमारी कैंडल थी हाँ मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे और फ्राइडे। हमारे पिछले पूरे वीक में 5 दिनों में हमारी मार्केट ने एक रेंज को ट्रेड किया है, ठीक है, और इस रेंज से हमारा मार्केट बाहर नहीं निकला है, और लास्ट जो कैंडल बनी है इसमें प्रॉपर तरीके से हमको सेलर का डोमिनेशन देखने के लिए मिला हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप लगाने की भी कोशिश करी है। अगर हमारा मार्केट यहाँ से इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करता है तो हमारा मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आके ये वाला जोन जो हमारी मार्केट में अब तक ऑल टाइम हाई था ये हमारा यहाँ पे पहला सपोर्ट बनेगा। उसके बाद फिर हमारी मार्केट में 52,800 का लेवल हमारा दूसरा सपोर्ट बनेगा, और 52,800 का लेवल 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कितना बेहतरीन जोन है। हमारी मार्केट यहाँ पे तो पहली बार अप्रोच करेगी वीक के टाइम फ्रेम पे तो हमारा मार्केट यहाँ से बुलिश होने की प्रॉपर तरीके से ट्राई करेगा, ठीक है। अब एक बार यहाँ ध्यान दो कि हमारी मार्केट ने प्रॉपर तरीके से, अभी ये भी नहीं कि सेलिंग मोड आ चुका है, हो सकता है कि हमारा मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो गया फिर हमारा मार्केट यहाँ से साइड हो चला जाएगा। अगर मार्केट इसी मोमेंटम को, यहाँ पे ध्यान दो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉलो थ्रू की, अगर यहाँ पे हमको फॉलो थ्रू मिलता है तो ही मार्केट सेलिंग के लिए कन्वर्ट होगा, अगर फॉलो थ्रू नहीं मिलता है हमारा मार्केट यहाँ से सेलिंग के लिए बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो यहाँ पे एक बात देखो, हमारी मार्केट में इस दिन प्रॉपर तरीके से सेलिंग होती है, नेक्स्ट डे मार्केट में बाइंग हो जाती है ना। अब जैसे मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हुई है अगर यहाँ फॉलो थ्रू नहीं मिलता है हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे मंडे वाले दिन बाइंग स्टार्ट हो जाए। आपको दिखाऊं फॉलो थ्रू में किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि मार्केट में यहाँ से ये फॉलो थ्रू मिला हमारा मार्केट नीचे गिरा, यहाँ मार्केट में सेलिंग होती है पर नेक्स्ट डे हमारा मार्केट गैप ओपन होकर नीचे आता है फिर हमारा मार्केट यही समझ जाता है। तो फॉलो थ्रू मिलना बहुत जरूरी है, फॉलो थ्रू जब तक नहीं मिलेगा हमारा मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगा। अब चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे गाइस देखो हमारी मार्केट में ये चीज देखो, अगर हमारी मार्केट में अब एक लेवल हमारा यहाँ पे और जुड़ जाता है जो कि हमारा होता है यहाँ पे ये वाला। अब हमारी मार्केट में ये यहाँ पे आके रुकी पड़ी है जहां से हमारी मार्केट में बाइंग का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, और जब जब मार्केट यहाँ पे हमारी कनेक्ट हुई थी यहाँ पे हमारे बायर्स एक्टिवेट हुए थे। अब देखने वाली बात ये है कि या तो इसको ब्रेक करके नीचे की साइड जाएगा, नीचे का टारगेट आपको बताया हुआ है, पर अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड निकलने का ट्राई करेगा तो फिर हमारा मार्केट यहाँ से अपर ऑल ओवर ट्रेंड तो मार्केट का बुलिश ही है ना। फ्राइडे वाले दिन हमारी मार्केट में ये मोमेंटम हुआ है ऑल ओवर तो ट्रेंड बुलिश है, हमारा मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे 50 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हमारी मार्केट में इंट्राडे के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा फ्राइडे वाले दिन की, फ्राइडे वाले दिन हमारी मार्केट की जो ओपनिंग होती है
फ्लैट टाइप ओपनिंग होती है। फ्लैट टाइप ओपनिंग होने के बाद हमारा मार्केट काफी टाइम साइडवेज स्पेंड करता है, पर उसके बाद हमारा मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बनाता है, उसको जैसे ही ब्रेक करता है हमारा मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू नीचे की साइड गिरता हुआ जाता है। हमारे मार्केट में 54,000 का लेवल था साइकोलॉजिकल नंबर, हमारा मार्केट यहाँ पे इसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमारा मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरता है। अब मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स और मार्क करूंगा, जैसे कि 54,000 का लेवल साइकोलॉजिकल नंबर राउंड नंबर है, मार्केट में हमारे मंडे के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम में आने वाला है। सबसे पहले आप मेरी बात यहाँ पर सुनो कि हमारी मार्केट में प्रॉपर तरीके से सेलिंग हुई है। सेलिंग को होने के बाद अगर हमारा मार्केट जैसे कि यहाँ पे ये रेंज है, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की साइड निकलता है सेलिंग करोगे कंटिन्यू में, 53,500 का लेवल आपका बनेगा पहला टारगेट, 53,000 ये लेवल हमारा बनेगा दूसरा टारगेट। मार्केट अगर यहीं पे साइडवेज जाता है इस रेंज के अंदर, अगर हमारा मार्केट साइडवेज होता है तो हम यहाँ से कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे। 54 को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है, सर्वाइव करता है, बाइंग करने वाले हैं, पहला टारगेट ये बनेगा, दूसरा टारगेट हमारा यहाँ से ये बनेगा, है ना। इफ एनी केस अगर हमारी मार्केट में गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन अगर हमारा 54,000 के ऊपर ओपन हुआ है तो यहाँ पे हमने पहले वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारा मार्केट यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश करे या फिर हमारा मार्केट यहाँ से गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। पर अगर हमारी मार्केट में गैप डाउन ओपन हो रहा है, वो यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो यहाँ कहीं ओपन हो रहे मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग हो जाएगा कंटिन्यू है, तो हमको स्टार्टिंग में एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमारा मार्केट हमको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके बाद यहाँ से खाकर रिजेक्शन, फिर यहाँ से नेगेटिव भी हो सकता है। बाकी इस रेंज में अगर कहीं पे भी ओपन होता है और इस रेंज को ब्रेक करके निकलता है, चाहे इसको ऊपर की साइड ब्रेक करे चाहे इसको नीचे की साइड ब्रेक करे, हमको बड़े मोमेंटम देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस रेंज को अगर हमारा मार्केट ट्रेड करेगा तो जैसे कि आप यहाँ देखो कि फ्राइडे वाले हमारा मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया था, छोटे मोटे मोमेंटम मिले थे, स्कैल्पिंग अगर आप लोग चाहो तो इस रेंज के अंदर प्लान कर सकते हो। गाइस अगर आप लोग यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग का फायदा उठाना चाहते हो तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं डेली लाइव आता हूँ, डेली लाइव आके आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, ठीक है। हमारी मार्केट में कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है, अब सेलिंग अच्छी हुई है, अब जब तक यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे मार्केट हमारा यहाँ पे और सेलिंग कंटिन्यू नहीं करेगा। जब तक यहाँ पे 54 के ऊपर सर्वाइव नहीं करेगा मार्केट में बायर्स एक्टिवेट नहीं होंगे, मार्केट यहाँ पे इंटरेस्टिंग ही नहीं रहेंगे इस लेवल पे बाई करने के लिए। वो इंटरेस्टिंग कब रहेंगे, जब ये 54 को ब्रेक करें, सेलर यहाँ से इंटरेस्टिंग रहेंगे मार्केट को सेल करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं निफ्टी 50 को लेके, कि निफ्टी 50 में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और क्या प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। सो गाइस कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी के अंदर अच्छे मोमेंटम हमारे हुए और निफ्टी देखो हमारी यहाँ पे कैसे गई है। निफ्टी हमारा यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मोमेंटम में था, 26,000 का लेवल हमारे निफ्टी में बहुत ही बेहतरीन एक लेवल है जो कि हमारे काम में आता है और जिसके ऊपर मार्केट फिलहाल अभी भी हमारा सर्वाइव कर रहा है मार्केट जिसके ऊपर फिलहाल अभी भी हमारा यहाँ पे मार्केट में हमको कैंडल देखने के लिए ये मिलती है। हो सकता है कि मार्केट फॉलो थ्रू मिलेगा, नीचे आ सकता है 26,000 के लेवल पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर निकलने का ट्राई कर सकता है। डे के टाइम फ्रेम आपको मैं बता रहा हूँ, पर डे के टाइम फ्रेम को छोड़ो, एक बार चलते हैं वीक के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि हमारी मार्केट में वीक के टाइम फ्रेम की कैंडल कैसी क्लोज हुई है। देखो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर देते हैं वीक के टाइम फ्रेम पे जाके, तो बैंक निफ्टी के अंदर वीक के टाइम फ्रेम की कैंडल हमको नेगेटिव क्लोजिंग की मिली है, ठीक है। बट मैं निफ्टी की बात करूंगा, निफ्टी की कैंडल हमको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव क्लोजिंग की मिली हुई है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, आप इसको जाकर चेक करो यहाँ पे कि हमारी मार्केट में दो कैंडल यहाँ पे बन चुकी है पॉजिटिव, फिर हमको नेगेटिव मिली है। मान के चलो कि मार्केट में यहाँ पे हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, पर निफ्टी के अंदर अभी तक हमारी यहाँ पे कंटिन्यू 3 हमारी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुकी है, एक भी रेड कैंडल नहीं बनाए अभी तक हमको यहाँ पे, एक भी प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल देखने के लिए नहीं मिला हुआ है। हो सकता है मंडे वाले दिन हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है, पर 26,000 के लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से एक बार ऊपर जाने की कोशिश तो प्रॉपर तरीके से करेगा ही करेगा, कि जैसे कि हमारी मार्केट ने 54,000 के लेवल पर आके हमारी मार्केट ने बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश करी थी। अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे 54,000 लेवल, ठीक है। बट अभी आप लोगों ने देखना क्या है कि हमारी मार्केट में प्लानिंग क्या होने वाली है। हम यहाँ पर चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे, कुछ लेवल मैं मार्क करूंगा, जैसे एक लेवल ये है, तो एक लेवल इंटरेस्टिंग मेरे पास यहाँ पे ये है और एक लेवल मेरे लिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो कि हमारी यहाँ पे निफ्टी ने 1, 2, 3 दिन मार्केट ने साइडवे ट्रेड किया, उसके बाद 26,000 का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद हमारी मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू ऊपर का एक मोमेंटम हमको दिखाया था। अब यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल है। अब चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे हटा के, एक घंटे का टाइम फ्रेम आपको अपने मार्केट में करना क्या है। तो गाइस एक रेंज आप यहां से मार्क करो, रेंज हमारी बनती है यहां से ये वाला पॉइंट। अगर हमारा निफ्टी यहां से इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की साइड निकलता है, आपने सेलिंग करनी है, पहला टारगेट 26,000 बनेगा, उसके बाद यहां देखना है कि यहां ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है या फिर इसको ब्रेक करके नीचे की साइड आ रहा है। सपोर्ट ले रहा है, कोई भी रिवर्सल पैटर्न देख के आप यहां से मार्केट में रिवर्सल प्लान कर सकते हो। ब्रेक डाउन देकर नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के आप मार्केट को नीचे के लिए प्लान कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है
कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारा जो निफ्टी 50 है वो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है, जो कि हमारे लिए काफी खास बन सकती है अगर हम लोग यहाँ पे बाइंग करने के लिए। हमारी वो ट्रेंड लाइन है जिसको हमारा निफ्टी 50 यहाँ से फॉलो कर रहा है, पर बाइंग आपकी यहाँ से एक इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आपकी यहाँ से एक बार बाइंग भी एक्टिवेट हो सकती है, जिसमें आपका टारगेट यहाँ पे ये वाला पॉइंट बनेगा। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हमारी मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखो जो मैंने लाइन वहां से मार्क करी थी, हमारी लाइन यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से मार्क हुई है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलेगा बाइंग करनी है, टारगेट आपका ये वाला पॉइंट बनेगा। इसको ब्रेक करके नीचे निकलेगा सेलिंग करनी है, टारगेट आपका यहाँ पे। हाँ, मार्केट अगर नीचे आएगा डायरेक्टली 26,000 को प्लान मत करना, हो सकता है कि हमारा मार्केट यहाँ से इन लेवल पे आके यहाँ पे हमारा मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे इस लेवल पे फाइंड करे। गैप अप की कंडीशन में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, मार्केट नीचे आके यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। गैप डाउन की कंडीशन में मार्केट पहले एक बार को प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसके बाद फिर मार्केट नेगेटिव होता है, तो फिर आप मार्केट में नेगेटिव प्लान कर सकते हो। बाकी जो भी जैसी भी बात रहेगी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव मिलूंगा, हम लाइव बैठ के चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं कराया तो मेरी वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। बाकी मंडे को मैं आपसे मिलूंगा लाइव बैठ के। हमारी मार्केट अगर यहाँ से ऐसे आती है और इस मोमेंटम कंटिन्यू करती है तो मार्केट ये पैटर्न बना के यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, फिर हमारा जो बैंक निफ्टी है वो भी हमारा यहाँ से पॉजिटिव हो ही जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये बैंक निफ्टी का वीक का टाइम फ्रेम है, अगर मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाऊं तो हमारी मार्केट यहाँ पे इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आके खड़ी हुई है। हो सकता है कि मार्केट में जो यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे सेम बायर्स हमारे यहाँ से एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग हमारी बहुत सिंपल है। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, लव यू दोस्तों।